पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर लुआना ने माला को समझाया, रुको, देखो और सुनो। जो कंगारू ध्यान से सुनता है उसे पेड़ों के बीच फुसफुसाती आवाजें आगाह करती हैं। एक गंध जो हवा में घुली हुई है, जंगल के भीतर से एक आवाज आ रही है। वो आ रहे हैं। माला शिकार की बदहवासी में फंस गई है। वो लुआना से बिछड़ गई है, वो खो गई है। मेरो पहले भी नाकाम हो चुका है, उसे इस बार सही दाम लगाना पड़ेगा। इतने सारे कंगारू भाग रहे हैं, ऐसे में उसे किसी एक को चुनना होगा।